बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी की बायोग्राफी हाल ही में रिलीज हुई है, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र और उनके बीच के रिलेशन से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें शेयर की हैं। इसमें धर्मेंद्र की फर्स्ट वाइफ और एक्टर सनी देओल और बॉबी देओल की मां प्रकाश कौर हेमा और धर्मेंद्र के रिलेशन के बारे में आखिर क्या सोचती हैं? तो चलिए उनके एक इंटरव्यू के बारे में हम आपको बताते हैं, जिसमें प्रकाश कौर कहती हैं, धर्मेंद्र मेरी लाइफ में आने वाले पहले और आखिरी शख्स हैं। वो मेरे बच्चों के पिता हैं, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूं और उनका सम्मान करती हूं। जो हो रहा है सो हो रहा है, मैं नहीं जानती मुझे उन्हें दोषी ठहराना चाहिए या अपनी तकदीर को। मैं एक बात जानती हूँ कि वो मुझसे कितने भी दूर चले जाए, लेकिन जब भी मुझे उनकी ज़रूरत होगी वो मेरे साथ होंगे। मैंने उन पर अपना विश्वास नहीं खोया है। कुछ भी हो, है तो वो मेरे बच्चों के पिता ही। प्रकाश कौर कहती हैं, धर्मेंद्र भले ही अच्छे पति ना हो, लेकिन अच्छे पिता जरूर है। उनके बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते हैं। प्रकाश कौर से जब सवाल किया गया कि जब हेमा और धर्मेंद्र के रिलेशन के बारे में सनी देओल को पता चला तो उन्होंने हेमा को चाकू से मारने की कोशिश की थी, इस पर प्रकाश कौर ने कहा, ये सही नहीं है। हर बच्चा चाहता है कि उसके पापा उसकी माँ को ही सबसे ज्यादा प्यार करे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी औरत को मार देगा जो उसके पिता को प्यार करती है। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन अपने बच्चों की नज़रों में मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हूँ। मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। प्रकाश कौर कहती हैं, वो नहीं जानती कि उनकी और धर्मेंद्र के रिलेशनशिप को लेकर लोग क्या कहते हैं। वो कहती हैं, मैं जानती हूँ कि वो हम सभी का बहुत ख्याल रखते हैं, रोज शाम को घर आते हैं और बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं। मैं जानती हूँ कि हेमा को भी दुनियादारी का सामना करना पड़ रहा होगा, दोस्तों का, रिश्तेदारों का। एक औरत होने के नाते उनकी फीलिंग्स में समझ सकती हूँ, लेकिन अगर मैं हेमा की जगह होती तो वो कभी नहीं करती जो उन्होंने किया। एक माँ और एक पत्नी के तौर पर मैं उन्हें अप्रूव नहीं कर सकती। प्रकाश कौर का ये इंटरव्यू उस दौरान का है जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की थी, लेकिन उन्होंने अपनी पहली बीवी को कभी डिवोर्स नहीं दिया, वो हमेशा उनके साथ रहे। बल्कि हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी करने के बावजूद अपने दम पर अपने करियर को बनाए रखा और अपनी बेटियों को बड़ा किया और उनकी शादी करके उन्हें उनके घर विदा भी किया। हेमा मालिनी ने एक पत्नी, माँ और एक अभिनेत्री का किरदार वाकई में पूरी शिद्दत से निभाया है। फिल्म से टेलीविजन से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड लॉगिन।